पर्सनली अगर पूछ रहे हैं मेरी लाइफ में, तो मेरा अभी तक कुछ प्लान नहीं है फिलहाल. इस साल मेरा ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है. जनरली आई ट्रैवल ऑन 31st एंड आई एम नेवर इन द कंट्री. लास्ट ईयर मैं ताइवान में थी, मुझे बहुत मज़ा आया था वहाँ पे. इस साल मेरा सच कुछ प्लान इसलिए नहीं बिकॉज मैं अभी भी कहीं पे ट्रैवल करने जा रही हूँ. सो मे बी 31st आई बी एट होम, मे बी जस्ट कहीं पे खाना वाना खाने के लिए चले जाएंगे एंड न्यू ईयर पर फिर मैं ट्रैवल करूँगी. बट 31st एज ऑफ नाउ नो डूइंग एनीथिंग. तो मैं फेक फेक नहीं बोलने वाली हूँ कुछ भी. जी सेंटा आपको मिलेगा तो क्या विश मांगना चाहेंगे इस बार? यू नो वॉट, आई एम प्रिटी कंटेंट इन माई लाइफ दैट वे. तो मैं ज़्यादा कुछ ना सेल्फिश होकर मांगती नहीं हूँ. I just want, you know, I just want to be happy. I just want to have my peace of mind. And just I want that meri mom ki health achhi rahe. And sab log meri life mein khush rahe. Main bahut khush rahu baba. Bas yehi mujhe chahiye. Baaki to materialistic things hota rahega. I'm not very materialistic, you know, person anymore actually. I'm a very minimalist person actually. Kapde se leke, joote se leke, ghar ke saman se leke, bahut kam cheeze main bhi rakhti hu, you know, life mein. So I'm a pretty minimalist. But as I said, you know, I just want happiness because that's what is lacking in people's life. I want my peace of mind and wo hai na boss life mein aapke chehre pe dikhti hai, simple cheeze hai. So yeah, that's it. Bahut acha lagta hai Ajay ji jab aate. I think wo kai baar, matlab 5-6 baar to shayad aa chuke. Kajol ji ka ye second time tha. So Ajay ji jab aate to he's like, you know, he's used to seeing us, so he's very sweet with us and everything. And Kajol ji was also very sweet to us, aur kyunki second time tha to पहला उनका थोड़ा सा यू नो होता है कि थोड़ा टाइम लेते हैं ओपन होने के लिए. अजय जी तो डे वन से हो जाते हैं. सो इट वॉज रियली नाइस टू हैव देम ओवर हियर एज अ कपल. वो यू नो मुझे बहुत मज़ा आया. फिर जब हम लोगों को डांस करने का मौका आया था, रिमेंबर, मैंने काजल जी को हम लोग बोल रहे थे, सर को बुलाइए सामने डांस करने, लाइक नथिंग वर्क्स फॉर हिम, नथिंग, ही डजंट डांस एंड यू नो ये वो. तो हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे उनके साथ कि सर को बुलाइए सामने, बोलते हैं आई एम गोना ट्राई बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऐसे करके. सो इज लाइक शी इज लाइक नथिंग वर्क्स फॉर हिम, ही डजंट डांस. सो इट वॉज फन, इट वॉज फन. तारक मेहता में हम लोग बोलेंगे तो एज बबीता हमें बोलना पड़ेगा. एंड सो आई हैव टू से वॉट द स्क्रिप्ट सेज, जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा मुझे वही बोलना पड़ेगा. और नॉर्मल लाइफ में अगर देखेंगे तो ऑफकोर्स मुनमुन बोलेगी, बट एज ऑफ नाउ आपने बोला मुझे वो तारक मेहता में बोलने वाले, तो या सो वो तो बबीता बोलने वाली है. सो लेट्स सी, वो तो आप लोग एपिसोड में देखेंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या यू नो बुलवाया जा रहा है. लुक के बारे में, अरे आई लिसन, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई लुक. लो और लो, लो और हर बार कहीं हो गया ऊपर से नीचे तक जूम करना, आई नो. सो सो व्हाट आई मीन 31st है, सो ब्लिंकी आउटफिट पहनना तो बनता है. सो आई जस्ट गॉट दिस शॉर्ट ड्रेस एंड थैंक यू. आई थिंक आई एम लुकिंग नाइस, आई गेस सो. थैंक यू, इतना भी नहीं पर हाँ ठीक है. थैंक यू सो मच. क्या लेता है रेजोल्यूशन? हाँ मैं ना, मैं एक बात बोलूँ, मैं ना इन सब मैटर पर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बिकॉज मैं पूरे साल बहुत शिद्दत नहीं, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहती हूँ. उस डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिश नियम का, शिस्तता, समथिंग लाइक दैट. हाय. सो हाँ, तो मैं पूरे साल बहुत ही नियम कानून के साथ रहती हूँ, बहुत हेल्दी और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में लीड करती हूँ. तो इसलिए मैं ऐसी नहीं हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेती हूँ, ओके दिस टाइम आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग आउट. नो, आई वर्कआउट एवरी डे. आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक और डू एनीथिंग नॉनसेंस. सो आई डोंट हैव टू से कि आई एम गोना लीव ड्रिंकिंग. नो आई एम नॉट. एज आई सेड, आई एम लुकिंग आउट फॉर माई पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस एंड दैट्स इट. एंड आई जस्ट होप कि ये साल भी सबके लिए खुशियाँ लाए, मेरे घर वालों के लिए खुशियाँ लाए एंड एवरीथिंग. And yeah, that's it. As of now, there is no new year resolution as such, except the fact ki I just hope ki main har saal zyada se zyada travel kar paun. That's it. Zoom ke sabhi darshakon ko new year ki dher sari shubhkamnaye. Happy new year to all of you. Yeah.